So, Kshitij, we've been meeting since last 2 weeks. Hmm. And I really like you. Me too, Sakshi. So, what are we? Tum batao, what do you want to be? See, I would want us to be in a relationship. Me too. Hi. Hi, Sakshi. How are you? मैं ठीक हूँ. तुमसे कुछ बात करनी थी. Tell me. हाँ, मैं वो कह रहा था कि हम ना वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं. रिलेशनशिप? हाँ. See, honestly, I don't mind, but as of now, you know, I really want to take some time because I'm not completely out of my ex. मतलब मैं सोच रहा था let's give it a chance ना एक बार. You're right, but I feel like we should spend more time together. Sakshi, please यार, मतलब I love you, Sakshi. Please समझो ना थोड़ा सा. You love me? हाँ, I really love you. I'm so sorry, Kshitij, but I hope you understand. Bye. अरे सुनो तो सही. भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे रोने से और भीख मांगने से कि यार मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी, वो लड़की भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्यार में पड़ने से ये जरूरी है, कंपलसरी है कि सामने वाली लड़की भी तुम्हारे से प्यार में पड़ जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है. द वे टू पीपल फॉल इन लव इज बाय शेयरिंग एन इमोशनल कनेक्शन विद ईच अदर. इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वो एग्जैक्ट इमोशनल कनेक्शन तुम्हें शेयर कैसे करना है. एंड आई विल शेयरिंग विद यू द 5 टिप्स टू क्रिएट अ डीप इमोशनल कनेक्शन विद द गर्ल, ताकि इवेंचुअली यू गाइस कैन फॉल इन लव विद ईच अदर. यार अब इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं ये तो अज्यूम करूंगा कि तुम्हें मे बी कोई डेट मिल गई है. एक लड़की तो ऐसी मिल गई है जिसके साथ तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है कि डीप इमोशनल कनेक्शन कैसे करना है. एंड दैट यू डू बाय क्रिएटिंग अट्रैक्शन. अगर तुम्हारा अट्रैक्शन अभी तक बिल्ड नहीं है, प्लीज बाकी वीडियोस चेक करो उस पे अट्रैक्शन के ऊपर. बट इफ योर अट्रैक्शन इज बिल्ड एंड यू नो अ गर्ल लाइक्स यू, देन इसके आगे बढ़ने के लिए देयर विल बी वन मिस्टेक दैट यू विल बी डूइंग. अब अट्रैक्शन के टाइम पे व्हेन वी मीट अ गर्ल, व्हाट वी डू इज हम 90-10 रूल फॉलो करते हैं, व्हिच इज हमें पता है कि यार लड़की ज्यादा उस टाइम पे बात करेगी नहीं क्योंकि हमें जानती नहीं है, तो हम ज्यादा बातें करते रहते हैं. बट वंस वी गेट टू नो ईच अदर, अगर हम बातें करते ही रहे तो वो लड़की परेशान हो जाती है. वो बोलती है यार I am not allowed to talk. जो लड़कियों को बातें करना बहुत पसंद है. And secondly, she does not feel heard because you want to listen to what she is saying and she wants to know you better. तो अगर तुम अपने बारे में ही बोलते जाओगे, you'll come across as a narcissist and तुम दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहते हो. That is a big no-no and that fucks up your vibe with the girl. In this scenario, तुम्हें लड़की को भी अलाउ करना पड़ेगा बात करने के लिए. जितना वो तुमसे बात करेगी, जितना अपने बारे में शेयर करेगी, उतना deeply she will feel connected with you. और जितना तुम अपने बारे में बताओगे, the same will happen with her as well. What you need to do is switch from the 90-10 rule to a 70-30 or a 60-40 rule. Where you allow her to talk and you talk as well. But इसको इस तरीके से तो बिल्कुल भी मत करना. साक्षी, वैसे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं? कुछ अपने बारे में बताओ. क्या बताऊं? कुछ भी, जैसे आज कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा, it's good. ओके. और तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? पिज्जा. अच्छा, पिज्जा है, ठीक है. और बताओ. क्या बताऊं? ठीक है. Now, a good way to switch from 90-10 to 60-40 and have the girl also talk more, और वो भी तुम्हारी बातों में invest करे, relationship में invest करे, is by asking open-ended question. Open-ended question ऐसे नहीं होते जैसे हमने अभी बताया, अपने बारे में कुछ बताओ और तुम्हारा favorite food क्या है, ये क्या है, वो नहीं होता है. Open-ended question थोड़े और deep होते हैं. वहाँ पे तुम पूछते हो लड़की से कि यार तुम कहाँ से आई हो, और अगर वो दिल्ली से नहीं है, then you can be like, अच्छा, what was the reason that you came down to Delhi? And then allow her to talk. जितना वो लड़की बात करेगी, उतना तुम छोटे-छोटे चीजें पूछ सकते हो, and you can steer the conversation in the right direction. In real life, this would look something like this. So actually, what brought you to Delhi? So 4 years back, मैंने exam दिया था and मैं फिर Delhi आई college में. पढ़ाई लिखाई करी तुमने college में या वेले ही ऐसी जगह? अरे बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद मेरे को इतना अच्छा काम मिलने लगा. क्या काम मिला तुम्हें? I got into modeling and acting. Okay. I started shooting. उससे पहले मैंने advertising और marketing में काम किया. सारी जगह से निकाल दिया? नहीं. PR advertising के बाद फिर मैंने चेंज की थोड़ी सी लाइन अपनी एंड मैं एक्टिंग मॉडलिंग में गई. राइट नाउ आई एम स्टेइंग विद माय फ्रेंड. दिल्ली पसंद है तुम्हें? बहुत पसंद है, द लाइफ इज सो हैपनिंग. तो तुम 4 साल से यहां पे हो, तुम मेरे से 4 साल बाद मिल रहे हो, इतने टाइम बाद? ये तो यू शुड आस्क योरसेल्फ. आई थिंक तुमने अभी तक वो दिल्ली देखा ही नहीं है. यू डोंट नो मी ओनली, तो क्या ही होता है. पूरी दिल्ली तुमने समा रखी है. नहीं, only the good parts. Only the good parts, then I would want to explore the good parts. देखो इतना भी चेप नहीं होते. There'll be a time for that. मैं बता दूंगा. Get lost. Only if I think you're cool enough.
अब जब तुम एक दूसरे को जानने लग जाते हो, थोड़ा अट्रैक्शन बिल्ड होता है, डेट्स वगैरह पे जा रहे हो, तो अब तुम एक और प्रॉब्लम में फंस रहे होगे, सोच रहे होगे कि यार अब मैं बातें क्या करूं यहाँ पे। एंड तुम हमेशा ऐसे बैक टू बैक क्वेश्चन नहीं कर सकते, बस ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते रहोगे, तो लड़की बोलेगी भाई अपने बारे में भी तो कुछ बताओ अच्छे से। इफ यू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इंटरेस्टिंग एंड दैट आर बोरिंग, दैट विल किल ऑल द अट्रैक्शन, और कनेक्शन तो दूर की बात है। इन दिस मोमेंट देयर इज ओनली वन थिंग जो आपका अट्रैक्शन और आपका कनेक्शन दोनों साथ में बिल्ड करती है और मेंटेन करती है, इज स्टोरी टेलिंग। व्हेनेवर यू टॉकिंग टू अ गर्ल, तुम अपने बारे में स्टोरीज बताओ, एंड यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज। तुम अपनी एडवेंचरस स्टोरीज बता सकते हो, फन स्टोरीज बता सकते हो, तुम अपनी स्टोरी बता सकते हो जब तुम बचपन में थे कितने शैतान बच्चे थे, एंड यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग यू वांट। बस एक चीज दिमाग में रखो कि भाई अपनी स्टोरी ऐसी नहीं बतानी है जहां पे तुम्हारी ही इज्जत डाउन हो जाए। खुद की इज्जत डाउन अगर यहाँ पे हो जाएगी देन दैट स्टोरी इज नॉट गोना बी वैल्यूएबल इनफ। यूजुअली जब मैं लड़की से बात करता हूँ, मैं बस अपनी एडवेंचरस फन एंड क्रेजी स्टोरीज की बात करता हूँ, क्योंकि वो सुन के लड़की के इमोशंस हाई होते हैं एंड शी फील्स कि यार ये बंदा तो बहुत क्रेजी है, एंड शी गेट्स इनटू द एडवेंचरस जोन। सेकंडली शी also knows what kind of a person I am, which is a more adventurous guy. So agar wo mere ko date karti hai, she knows that she can be going on a lot of adventures, which is fun for her as well. An example for this is this. Saakshi, tum concerts jaate ho? Concerts mujhe bahut pasand hai. Last mein Jubin Nautiyal ke concert pe gayi thi. Mera pehla concert tha jab main college mein tha. So we went for David Guetta. Okay. To aaya hua tha aur hum nihayat hi gareeb the. तो हम पे पैसे नहीं थे, हम वहाँ गए और हमने 4 घंटे पहले चले गए, तो हमने जाके वहाँ पे रेकी करा, हमने मुआयना करा सारी जगह का, फिर हमने एक जगह ढूंढी जहाँ पे ना गार्ड नहीं थे ज़्यादा और वो बैक स्टेज वाले एरिया था। तो फिर वहाँ क्या किया? ब्लैक पर्दा होता है और ब्लैक पर्दे के पीछे एक टिन वाला बैरिकेडिंग होता है, तो भाई वो टिन वाला बैरिकेडिंग अगर तुम थोड़ी जान लगाओ ना वो फट जाता है। तो तुमने जान लगाई और वो फट गया? हाँ, तो हमने नीचे से वो फाड़ा एंड हमें लगा हम ना VIP एरिया में एंटर कर रहे हैं, तो हमने वो ब्लैक वाला पर्दा भी फाड़ा, कुछ जेब में चाबी वाबी थी, हम बाइक पे जा रखे थे, गरीब एकदम निहायती थी, ठीक है, तो नीचे से हटाया, सीधा स्टेज में एंटर किया, हमने बैक स्टेज एंटर करा और वहाँ पे रेड कार्पेट टाइप का कुछ लगा हुआ था, तो हम पीछे से गए अंदर और वहाँ पे हमने एंटर करा, मैं सीधा स्टेज के आगे पहुंच गया, वहाँ बैरिकेडिंग इतनी तगड़ी थी, वहाँ गार्ड भी अलाउड नहीं थे। आया एक बंदा मेरे पास, आया क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैं कहा तू कौन है, जा यहाँ से, मैंने धमका दिया, फिर आए 3 बाउंसर। एक और चीज जिसकी वजह से तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन काफी अच्छे से लड़की के साथ बन सकता है एंड यू कैन एंड अप फॉलिंग इन लव विद ईच अदर इज बाय डिस्कवरिंग ईच अदर्स कॉमनलिटीज, व्हिच इज पॉइंट नंबर 3। जितना तुम एक दूसरे के बारे में बात करते हो एंड डिस्कवर करते हो कि तुम्हारी लाइफ सिचुएशन सिमिलर रही है, या तुम मे बी सेम सिटी से हो, मे बी तुम्हें सेम चीजें पसंद है, मे बी तुम्हारी अपब्रिंगिंग सेम रही है, तुम दिल्ली में हो और तुम्हारा होम टाउन पहाड़ों में है और पहाड़ों की कोई लड़की तुम्हें मिल जाती है, देन इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इमोशनल कनेक्शन, एग्जैक्टली लाइक दिस। सो व्हिच स्कूल वर यू इन? सेंट मेरीज। अच्छा, सही है। यू नो दैट गर्ल राधिका, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट बैच वाज शी इन। तुम कौन से बैच में थे? आई वाज इन बैच 2017। अच्छा, आई थिंक शी वाज 2 बैचेस सीनियर टू यू, 2015-14 समथिंग। व्हाट्स हर फुल नेम? यार राधिका समथिंग, राधिका शर्मा आई गेस। या 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 आई नो हर, या बट दैट्स सो कूल यार, लाइक यू वर इन बोर्डिंग स्कूल एंड आई वाज। I know, no wonder, Saint Mary's. Something like all Saint Mary's girls just keep getting attracted to me. क्या होता है पता नहीं, manifest कर रहा हूँ मैं तुम्हें, यही लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे commonality ढूंढते ढूंढते लड़के एक बड़ी important चीज भूल जाते हैं कि वो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लड़की को compliment नहीं देते हैं, या फिर compliment देते हैं तो बहुत गंदे compliment देते रहते हैं, यार आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप बड़ी अच्छी लग रही हो, आप तो goddess हो, आप ये हो, आप वो, बट एक genuine compliment नहीं देते हैं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम यू नीड टू से समथिंग वी कॉल अ स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हम उसके फिजिकल ट्रेट्स पे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बट उसके बिहेवियरल ट्रेट्स पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि यार पहले तो जब हम उससे मिले थे हमें लगा था वो ऐसी सो एंड सो है, बट नाउ दैट वी नो हर बेटर, अब हमारा वो माइंड चेंज हो गया, सो दैट विल गिव हर द फीलिंग कि जैसे जैसे तुम उनको ज्यादा जान रहे हो, शी इज विनिंग यू ओवर एंड तुम असली में उसकी पर्सनालिटी से इंप्रेस हो रहे हो। वन सिंपल वे जिस तरीके से मैं ऐसे करता हूं इज बाय सेइंग समथिंग लाइक, शुरू में तो व्हेन आई मेट यू आई थॉट तुम बड़ी बोरिंग सी लड़की रहोगे, बड़ी सीरियस सी रहोगे, बट नाउ दैट आई नो यू, यू आर एक्चुअली फन। इफ यू आर ऑन अ डेट विद अ गर्ल, दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक। Few years back, मैं ना सिंगापुर गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वहाँ ना द मम्मी का रोलर कोस्टर राइड थी, ठीक है, एंड मेरे को उन लोगों ने फ्रंट पे बिठा दिया, ओके, एंड वो रोलर कोस्टर चला और तुम चिल्लाए, मैं चिल्लाई, मेरा दिमाग खराब हो गया, बिकॉज सामने रोलर कोस्टर में वो आई डोंट नो इट वाज इल्यूजन और व्हाट, बट वो वॉल थी और वो फुल स्पीड में था, वो एकदम जाके वॉल के सामने रुका और मैं खत्म थी वहां पर। तो लेट्स से नेक्स्ट टाइम अगर हम स्काई डाइविंग जाएं, तो यू वोंट बी स्कैर्ड? डिपेंड्स, बट तुम चलोगे? हाँ चलूंगी। मना नहीं करोगे? मना नहीं करूंगी। रोने तो नहीं लगोगे? मैं रोऊंगी। Please. It's actually fun, यार साक्षी. Earlier I thought you'd be this boring girl जो घर पे बैठ के बस Netflix देखती रहती है. But कोई नहीं, now that I know you, ठीक है, we can match on those things. नहीं, मैं
नेटफ्लिक्स भी देखती हूं बट यू हैव दिस साइड आल्सो यस ठीक है नाइस आई डिडंट नो दैट कमिंग टू द फाइनल पॉइंट पॉइंट नंबर 5 इसको बड़े ध्यान से यूज करना क्योंकि लोग क्या करते हैं इसको ओवर यूज कर देते हैं एंड रादर देन बिल्डिंग अ डीप इमोशनल कनेक्शन वो लड़की को टर्न ऑफ कर देते हैं पॉइंट नंबर 5 इज वल्नरेबिलिटी वल्नरेबिलिटी तुम्हें शुरू में ही नहीं स्टार्ट करनी है यू डू नॉट हैव टू बी वल्नरेबल और अपना दिल खोल के वहां पे बता दिया तुम्हारे बचपन में कितनी बुरी चीजें हुई हैं तुम्हारे साथ तुम कितने गरीब हो तुम्हारे साथ क्या क्या ज्यादा हो रखी है एंड ऑल द डीप डार्क सीक्रेट्स दैट यू हैव इनसाइड ऑफ योरसेल्फ टू बी वल्नरेबल विद अ गर्ल यू टू स्लोली स्टार्ट एंड धीरे धीरे करके तुम्हें बात आगे बढ़ानी है और धीरे धीरे अपने आप को ओपन अप करना है व्हेन यू ओपन योरसेल्फ अप द गर्ल विल ओपन हरसेल्फ अप टू यू एज वेल एंड द मोर द टू ऑफ यू ओपन अप विद ईच अदर उतना डीप तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन बनेगा और उतना तुम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाओगे फॉर एन एग्जांपल मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जैसे लड़की ने तुमसे पूछा कि भाई तुम किसके साथ रहते हो एंड लेट्स अज्यूम योर पेरेंट्स आर सेपरेटेड सो रादर देन सेइंग कि यार मैं तो बस पापा के साथ रहता हूं मम्मी तो छोड़ के चली गई ये मत बोलना प्लीज जस्ट बी लाइक आई स्टे विद फैमिली उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है सेकंड डेट पे तुम जा रहे हो वहां भी सेम मेंटेन करोगे बट नाउ लेट्स से यू हुक्ड अप और दैट यू स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर देन यू कैन टेल हर कि यार एक्चुअली मेरे घर में ऐसे सीन थे बट इफ यू इन द फर्स्ट मंथ ऑफ डेटिंग तुम्हें डीप उसमें नहीं जाने की कितनी ज्यादा डीप चीजें हुई थी यू कैन जस्ट कीप इट वेरी सर्फेस लेवल इफ शी वॉन्ट्स टू नो मोर थिंग्स शी कैन वेट टू नो यू बेटर या फिर 3 महीने 6 महीने बाद ऑफ कोर्स धीरे धीरे जैसे तुम अपनी चीजें शेयर करोगे यू विल डेवलप दैट डीप इमोशनल बॉन्ड एक एग्जांपल मैं तुम्हें यहां पे देना चाहता हूं वेयर यू कैन सेट योर बाउंड्रीज बट एट द सेम टाइम रंडी रोने वाली वाइब में नहीं फंसना है एंड यू कैन स्टॉप द कन्वर्सेशन राइट देयर इन दिस एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग कि तुम सेकंड थर्ड डेट पे हो एंड यू हैव सॉर्ट ऑफ हुक्ड अप बाय दिस टाइम एज वेल चेक इट आउट तो तुम्हारे घर में कौन-कौन है यार सो माय डैड आई हैव अ डॉग एंड मेरे दादा-दादी Your mom? Yeah, my mom and dad are separated. So I stay with my dad and mom stays somewhere else. Okay, but like what happened? Lot of things happened here. I'll tell you once we get to know each other better. But yeah, it's like long back, so I don't even remember half the things. Tumhare ghar mein kaun kaun hai? Mere ghar mein meri dad, mom, mere bahut sare pets hain. Okay. So boy, those are the 5 ways in which you can build a deep emotional connection and fall in love with a girl. Agar tum apni dating life mein abhi bhi thoda struggle kar rahe ho, you can book a call with one of our dating experts. You can go to ironmanlifestyle.co/coaching. We're going to try and assess ki bhai tumhari problem kahan hai, tumhare goals kahan hai and how we can help you achieve your goals in dating, help you build your confidence and how do you get into an amazing relationship. The call is absolutely free. Niche link pe jaake click karo, apna time and slot choose karo kitne baje tum chahte ho hum tumhe call kare. And we'll see you on the call. This is Shitij signing off. I'm going to see you guys in the next video. Peace.